तारीख 25 जुलाई, साल 1971। सूरज की किरणें धीरे धीरे सुहागपुर गांव के खेतों पर गिर रही थी। लोग खेतों से काम करके अपने घर वापस लौट रहे थे और घर पहुंचते ही एक शख्स के घर दो पाकिस्तानी सैनिक आते हैं। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम स्वतंत्रता सेनानी हो? शख्स जवाब देता था कि उससे पहले ही पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे गोली मार दी। उसकी पत्नी ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। डर से कांपती वो अपने पति की लाश छोड़ पास के नकला गांव में भाग गई। 3 दिन बाद जब वो वापस लौटती है तो उसके पति की लाश जानवर खा रहे थे। उसने उसकी बची कुची अस्थियां दफना दी थी। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। अगले दिन वही चेहरे फिर उसके घर आए और उसका रेप करके चले गए। वो चेहरे उसे आज भी याद है। ये कहानी है सुहागपुर की एक विधवा औरत जुलेखा की। लेकिन अब इस गांव का नाम भी बदल चुका है और पहचान भी। 25 जुलाई 1971 के बाद से सुहागपुर को विधवाओं के गांव, विधोबा पल्ली के नाम से जाना जाने लगा। जहां एक दिन पाकिस्तानी सेना की ओर से 164 आदमियों को मार दिया जाता है और कई औरतों का रेप किया जाता है, जिनमें से सिर्फ 57 महिलाएं जिंदा बच पाई और अब विधवा बनकर इस गांव में रह रही है। कहते हैं एक डॉक्टर और एक राजनीतिक लीडर की वजह से उनके पतियों की जान चली गई। क्या था 1971 का सुहागपुर नरसंहार? क्यों एक डॉक्टर ने सुहागपुर के लोगों की मौत का फरमान पाकिस्तानी सेना तक पहुंचाया? यही कहानी हम परत दर परत आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। साल 1971 का था और उस समय बांग्लादेश को आजाद कराने की लड़ाई चल रही थी। उस समय पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है, वहां का शेरपुर जिला भारत के मेघालय की पहाड़ियों के साथ सटा हुआ था। इसी इलाके में पाकिस्तानी सेना और मुक्ति वाहिनियों के बीच अक्सर झड़पें देखी जाती थी। मुक्ति वाहिनी को बांग्लादेश सेना के रूप में भी जाना जाता है। और इसी शेरपुर जिले से 36 किलोमीटर दूर एक गांव था, नाम था सुहागपुर। ये गांव भारत के मेघालय से सटा हुआ था। हमने शुरुआत में एक डॉक्टर के बारे में बात की थी, अब उस डॉक्टर को भी इस कहानी में लाते हैं। दरअसल उस समय बहुत सारे लोग बॉर्डर के रास्ते से होते हुए भारत जा रहे थे और जो एक शख्स जो इन रिफ्यूजीज को बॉर्डर पार करवा रहा था वो था डॉक्टर कादिर। लोग इसी गांव सुहागपुर के रास्ते से होते हुए भारत जाते थे। जैसे ही लोग बॉर्डर पार करते थे, डॉक्टर कादिर उनकी जमीनें हड़प लेता था और इस तरह ही उसने अपनी अच्छी खासी संपत्ति बना ली थी। लेकिन एक दिन जिस झोपड़ी में उसने अपना सारा सामान रखा था उसे तोड़ दिया गया। जब उसकी सारी संपत्ति लुट गई तो गुस्साया डॉक्टर पाकिस्तानी सेना के पास चला गया और उसने बताया कि कैसे लोग सुहागपुर के रास्ते से होते हुए बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। फिर सुहागपुर में मुक्ति वाहिनियों के शिविर के बारे में जब उसने ये जानकारी पाकिस्तानी सेना को दी तो पाकिस्तानी सेना सुहागपुर की ओर बढ़ गई। लेकिन इस नरसंहार को अंजाम देने वाले सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, इसमें मोहम्मद कमरुजमा भी शामिल थे, जो एक बांग्लादेशी राजनेता और पत्रकार थे, जो बांग्लादेश जमात इस्लामी का हिस्सा भी थे। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्धापराधियों के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया, जिसकी वजह से उसे 2013 में फांसी की सजा भी सुनाई गई। खैर, वापस सुहागपुर पर आते हैं। 25 जुलाई की सुबह 7 बजे 150 पाकिस्तानी सैनिकों की टुकड़ी सुहागपुर गांव में घुसती है। सेना ने गांव वालों पर गोलियां चला दी और सुबह 9 बजे तक 150 से ज्यादा गांव वालों की लाशें बिखरी पड़ी थी। सैनिकों ने अगले 12 घंटों तक मुक्ति वाहिनी सैनिकों की तलाश जारी रखी और इस दौरान उन्होंने अपने घरों में शरण लेने वाले किसी भी पुरुष ग्रामीण को खींच लिया। उनके परिवारों के सामने उन्हें गोली मार दी गई। गांव के 2 लोगों ने पाकिस्तानी सेना का विरोध किया तो उन्हें भी गोली मारकर मार दिया गया। अल्पसंख्यक गारो लोगों में से जो इस क्षेत्र के मूल निवासी थे, खेतों में काम कर रहे 3 किसान मारे गए। गांव की 13 महिलाओं के साथ मारपीट की गई और गांव के बचे हुए लोग भारत भाग गए। पाकिस्तानी सेना के गांव से हटने के बाद अब बचे हुए लोग वापस लौट आए और नरसंहार में कोई भी पुरुष जीवित नहीं बचा। रजाकारों और अलबद्र बलों ने तब नरसंहार में मारे गए लोगों को काफिर घोषित कर दिया और उनके शवों को दफनाने तक से रोक दिया। उनकी कई लाशें जंगली जानवरों ने खा ली। वो गांव विधवाओं के गांव में तब्दील हो गया। उन विधवाओं के आंसू आज भी सूख गए हों, लेकिन उन 164 आदमियों की लाशों पर बने शहीद स्मारक आज भी उन्हें वो याद दिलाते हैं।
लेकिन जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब इस गांव की तस्वीर बदल गई। इस गांव का नाम बदलकर विधवापल्ली रख दिया गया, यानी कि विधवाओं का गांव। साल 1951 में मतिया चौधरी शेरपुर के निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बनती हैं और सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने गांव की विधवाओं की कहानी बताई। 5 साल बाद अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार ने गांव की विधवाओं को अलग अलग तरीकों से मदद करना शुरू किया, लेकिन उन दोषियों का क्या जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया था। साल 2014 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उनके खिलाफ हुए अपराधों पर सुनवाई की और उनके खिलाफ अपराधों के अपराधियों में से एक को मौत की सजा भी सुनाई। अदालत ने 9 मई 2013 को कमरुजमा को मौत की सजा सुनाई और उन्हें 11 अप्रैल 2015 को फांसी दे दी गई। इसके बाद साल 2016 में बांग्लादेश सरकार ने गांव की 6 विधवाओं को मुक्ति वाहिनी के रूप में मान्यता दी। उसी साल इस गांव का नाम फिर बदलकर बिरकन्या पल्ली यानी कि साहसी बेटियों का गांव कर दिया गया और अब ये इसी गांव के नाम से जाना जाता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।